नमस्कार दोस्तों, रोचक हिंदी संसार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र की अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज डाल दी गई है। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज की। पहला प्रश्न है, आचार्य वामन ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? ऑप्शन है रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। जैसा कि हमें ज्ञात ही है कि विभिन्न आचार्यों के द्वारा विभिन्न संप्रदायों का प्रवर्तन किया गया था। यहाँ पे आचार्य वामन के संदर्भ में पूछा गया है कि उनके द्वारा किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीति संप्रदाय। रीति का अर्थ होता है मार्ग, पंथ, गति या शैली। अगर देखा जाए तो रीति शब्द के विषय में जान लेते हैं। रीति शब्द रिंग धातु में तीन प्रत्यय के योग से बना है। रीति शब्द का निर्माण रिंग धातु में तीन प्रत्यय के योग से हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य वामन का समय क्या है? ऑप्शन है सातवीं सदी, आठवीं सदी, दसवीं सदी, बारहवीं सदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आठवीं सदी। अगला प्रश्न है, मम्मट ने रीति को क्या कहा है? ऑप्शन है वृत्ति, अतिशयोक्ति, पद संगठना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह अभ्यास प्रश्न है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मम्मट ने रीति को कहा है ऑप्शन ए, वृत्ति। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई है? ऑप्शन है अलंकार, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुण। वामन गुणों की सत्ता को काव्य में अनिवार्य मानते हैं, इसीलिए रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा गुण के आधार पर हुई है और रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। अगर यह पूछा जाए कि रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वह है गुण संप्रदाय। अगला प्रश्न देखेंगे, रीति को पद संघटना नाम किसने दिया है? ऑप्शन है मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, वामन, कुंतक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया है? ऑप्शन है वृत्ति, मार्ग, पद संघटना, शैली। जैसा कि पूर्व प्रश्नों में हम पढ़ चुके हैं कि मम्मट के द्वारा रीति को वृत्ति कहा गया है और आचार्य विश्वनाथ के द्वारा पद संघटना कहा गया है। अब बचे दो ऑप्शन, मार्ग और शैली। इनमें से जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, मार्ग। कुंतक ने रीति को मार्ग नाम दिया है, जबकि शैली नाम यह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीति को शैली कहा गया है। अगला प्रश्न है, पांचाली रीति को मम्मट ने कहा है? ऑप्शन है उपनागरिका वृत्ति, परुषावृत्ति, कोमलावृत्ति, सौकुमार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोमलावृत्ति। मम्मट ने पांचाली रीति को कोमलावृत्ति इसलिए कहा है क्योंकि इसमें पद योजना यथासंभव कोमलता लिए रहती है। आठवां प्रश्न देखेंगे, उपनागरिका वृत्ति का संबंध किस रीति से है? ऑप्शन है वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, इन सब से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैदर्भी।
जिस प्रकार कोमलावृत्ति का संबंध पांचाली रीति से है, उसी प्रकार उपनागरिकावृत्ति का संबंध है वैदर्भी रीति से। अगला प्रश्न है, कोमलावृत्ति का संबंध किस गुण से है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, कांति। जैसा कि हम जानते ही है, मम्मट ने पांचाली रीति को कोमलावृत्ति कहा है। तो कोमलावृत्ति का संबंध जिस गुण से है वह है प्रसाद गुण, ऑप्शन बी। ओज गुण की योजना किस रीति से संबद्ध है? ऑप्शन ए वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओज गुण का संबंध है गौड़ी रीति से। विशिष्ट पद रचना रीति, यह परिभाषा किस काव्य ग्रंथ में दी गई है? ऑप्शन ए काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्य प्रकाश, काव्यदर्श। विशिष्ट पद रचना रीति, यह परिभाषा ली गई है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति से, ऑप्शन बी। विशिष्ट पद रचना रीति कथन इनमें से किसका है? इससे पूर्व पूछा गया था कि विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है, जो लिया गया है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति से। यहाँ पे इसके रचनाकार पूछे गए हैं, कथन ऑप्शन दिए गए हैं वामन, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य वामन के द्वारा। अगला प्रश्न है, रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? ऑप्शन है भरत ने, भामा ने, कुंतक ने, वामन ने। इसका सही उत्तर भी है आचार्य वामन, ऑप्शन डी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन, उन्हीं के द्वारा यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है गुण, रस, प्रवृत्ति, मार्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रवृत्ति। वामन के अनुसार रीतियां हैं, ऑप्शन है मागधी, अवंती और पांचाली, अवंती पांचाली और लाटी, वैदर्भी गौड़ी और पांचाली, वैदर्भी गौड़ी और पांचाली। ऑप्शन सी और डी समान है, इसलिए यहाँ पे तीनों में से सही ऑप्शन बताना है। वामन के अनुसार तीन प्रकार की रीतियां हैं, उनके नाम है वैदर्भी गौड़ी और पांचाली। अगला प्रश्न है, समस्त दस गुणों से युक्त रीति है? ऑप्शन दिए गए हैं वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैदर्भी रीति। वामन ने दस गुणों का समावेश वैदर्भी रीति में माना है। अगला प्रश्न है, ओज और कांति गुणों से युक्त रीति इनमें से कौन सी है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौड़ी। पांचाली रीति में गुण होते हैं, ऑप्शन है माधुरी और सकुमारी, ओज और कांति, प्रसाद और ओज, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माधुरी और सकुमारी। पांचाली रीति का एक अन्य नाम है, ऑप्शन है अवंतिका, ग्राम्या, मागधी, दक्षिणात्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम्या। भरत मुनि ने कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4, 5। भरत मुनि के द्वारा चार प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मम्मट के अनुसार वृत्तियां हैं लाक्षुभी, दक्षिणात्या और उपनागरिका, अवंतिका, मागधी और पैसाची, उपनागरिका, परुषा और कोमला, सुकुमार, विचित्रा और दक्षिणात्या। मम्मट के अनुसार वृत्तियां हैं ऑप्शन सी, उपनागरिका, परुषा और कोमला। उपनागरिका का संबंध है वैदर्भी रीति से, परुषा का है गौड़ी रीति से और कोमला का है पांचाली रीति से। लाटी रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य है, ऑप्शन है भामह, कुंतक, संकुप, रुद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुद्र। श्रुति मधुरता और संगीतमयता
किस वृत्ति का अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन है उपनागरिका, परिसा, कोमला, तीनों वृत्तियां। श्रुति मधुरता और संगीतमयता जिस वृत्ति का अनिवार्य लक्षण है उसका नाम है उपनागरिका। इसका संबंध वैदर्भी रीति से है, परुषा का है गौड़ी रीति से और कोमला का है पांचाली रीति से। अगला प्रश्न है, परुषा वृत्ति का एक अन्य नाम है माधुरी, दीप्ता, निष्ठुरा, गंभीरा। परुषा वृत्ति जो कि वैदर्भी ये गौड़ी रीति से संबंधित है उसका एक अन्य नाम है दीप्ता। अगला प्रश्न है, वीर भयानक और रौद्र रसों की अनुकूल वृत्ति कौन सी है? उपनागरिका, कोमला, परुषा, निष्ठुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परुषा। परुष वर्णों के कारण वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रसों का इसमें समावेश होता है। इसमें ओजपूर्ण वर्णों की योजना होती है, संयुक्त व्यंजन ट वर्ग श स आदि वर्णों का प्रयोग इस रीति में बहुलता से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस आचार्य ने रीतियों का संबंध रस से स्थापित किया है? ऑप्शन है रुद्र, वाल्मीकि, पतंजलि, भरत मुनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्र। आचार्य विश्वनाथ ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। आचार्य विश्वनाथ ने 4 रीतियों का उल्लेख किया है जिसमें आती है वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। यह 4 प्रकार की वृत्तियां विश्वनाथ जी के द्वारा बताई गई हैं। भोजराज ने कितनी वृत्तियों का उल्लेख किया है? 5, 10, 15, 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15। भोजराज ने 15 वृत्तियों का उल्लेख किया है जिसमें है उपनागरिका, परुषा, कोमला, गंभीरा, ओजस्विनी प्रायः, मधुरा, निष्ठुरा, स्लथा, कठुरा, कोमला, मिश्रा, परुषा जो उष्म और अंतस्थ का जिसमें संयोग हो, ललिता और अमिता। भोजराज ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 2, 4, 6, 8। इससे पूर्व पूछा गया था वृत्तियां, अब पूछा गया है रीतियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6, जिसमें आती है वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी यह भोजराज के द्वारा बताई गई रीतियां हैं। भोजराज से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि भोजराज ने गुणों की संख्या कितनी बताई है, तो भोजराज के द्वारा बताए गए गुण है 24 गुण। अगला प्रश्न है, रीति को शैली किसने माना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। करें, धन्यवाद।